आप सबों का स्वागत और एक बार इस नए दिन में नई शाम में प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु के सानिध्य में और एक बार समय बिताने के लिए हाजिर हुए हैं और प्रभु हमारे बीच में हाजिर रहते हैं और हमें प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है, लेकिन वास्तव में हमारे विश्वास को अब दृढ़ होने की आवश्यकता है। ये ऐसा एक समय है, एक ऐसे समय में हम हैं, एक ऐसी परिस्थिति में हम हैं, एक ऐसे यूं कह लें कि एक भयानक समय में हम हैं, जब शैतान भयानक रूप से विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी ना किसी प्रकार से उनका विश्वास टूटे और वे उस मुक्ति से वंचित हों जो प्रभु यीशु ने अपने खून को बहाकर हमारे लिए कमाई है, या यूं कहें कि प्रभु यीशु की कुर्बानी के फलस्वरूप जो मुक्ति, जो उद्धार, जो बंधनों से छुटकारा हमें मिला है, शैतान हमें उससे भटकाना चाहता है और यही उसका उद्देश्य है। यूहन के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने वास्तव में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया, यूहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10, प्रभु कहते हैं कि चोर केवल चुराने, फिर से ध्यान देना, चोर यानी शैतान, केवल उसका दूसरा कोई कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, उसका कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए हमें सावधान होकर जीने की आवश्यकता है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वास्तव में जब हम ढीले पड़ जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ती हैं, जब हम सो जाते हैं, सोने का मतलब शारीरिक रूप से सोना नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सो जाना, यानी प्रार्थना करना बंद कर देना या कम कर देना, या वचन पढ़ना कम कर देना, प्रार्थनाओं में जाना कम कर देना, संगति नहीं करना, इस तरह से जब हम करने लगते हैं तो शैतान को अवसर दे रहे हैं, सीधा सीधा हम उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि आ और मुझे नष्ट कर। इसलिए यीशु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ना केवल आपको जागना है, ना केवल हमें आत्मा में जागते रहना है बल्कि प्रार्थना भी करना है। दो काम करने हैं, जागना और प्रार्थना करना। आपने देखा होगा कभी कभी रात को जब बच्चा उठ जाता है तो मम्मी दो काम करती है, एक उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है, ठीक है, अपने हाथों से हिलाती है और उसको पुचकारती है, उसके सिर पर हाथ लगाती है। दूसरा काम वो करती है, अपना मुंह भी चलाती है, अपने मुंह से भी कुछ कुछ बोलती है या उसको कुछ सुनाती है या कुछ उससे बात करती है। तो वो दो काम करती है, एक अपने हाथों से और एक अपने मुंह से, ताकि उस बच्चे को आराम मिले। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे इतिहास ग्रंथ में, जब इसराइली लोग लड़ रहे थे
तो वहां पर लिखा एक सुंदर वचन है कि वे अपने हाथों से लड़ रहे थे लेकिन अपने हृदय से वो प्रार्थना कर रहे थे। अपने हाथों से वे लड़ रहे थे लेकिन अपने हृदय से वे प्रार्थना कर रहे थे। तो हमारी प्रार्थना कम नहीं होना मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि ये समय भयानक है। ये समय जो वर्तमान समय है, इस समय में शैतान भयानक रूप से हमारे पीछे पड़ा है और आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या क्या घटित हो जाता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे अद्भुत काम, ऐसे ऐसे डरावने और भयानक काम हमारे बीच में हो रहे हैं। आप अखबार उठाकर पढ़ेंगे, आप टीवी में खोलेंगे, ना जाने कैसे कैसे भयानक काम हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे और ये आगे होते रहेंगे। लेकिन एक विश्वासी को प्रार्थना में मजबूत बनना है, एक विश्वासी को वचन में मजबूत बनना है। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो अंत तक धीर बने रहेगा, जो अंत तक धीरज रखेगा, धैर्य रखेगा, टूटेगा नहीं, अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रभु ने कहा कि अगर वे दिन थोड़े ना किए जाते तो शैतान चुने हुए लोगों को भी भटका देता। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें उसकी मदद की जरूरत है। हम अकेले नहीं है लड़ सकते, हमें पवित्र आत्मा के बल की जरूरत है। आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम तेरे अद्भुत सानिध्य में अपने सरों को झुकाते हुए तेरी अधीनता स्वीकार करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अपने आप से हम इन ताकतों से लड़ नहीं सकते हैं जब तक कि तू हमारे साथ नहीं है। प्रभु, हमारे साथ चलने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। जैसे मूसा ने कहा कि यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो यहां से आगे बढ़ने की अनुमति हमें ना दे, हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे संग चल, हमारे संग चल। प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना पवित्र आत्मा। आज की इस आराधना में हम अद्भुत अद्भुत काम देख सकें, आज की इस आराधना में हम तेरे सानिध्य को दृढ़ता से अनुभव कर सकें और अंधकार की शक्तियां हमें छोड़कर जाने पाए, हमारी आत्माएं जागे, हम प्रार्थना करना सीखें, ऐसी कृपा देना प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हो तेरे बंदे, तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, राजा। प्रभु को बुलाएं, आमंत्रित करें, इस गीत के द्वारा सानिध्य को अनुभव करते जाएं।
की तरह हो यीशु को छूने के लिए
पल हर क्षण में हमारे साथ रह जाइए। इस संध्या का समय प्रभु हम तेरी हजूरी में बैठे हैं, हमारे मन आत्मा हृदय को शांति सामर्थ्य प्रदान कर। आज पूरे दिन भर के लिए पिता ईश्वर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु, तूने स्वर्ग दूतों का संरक्षण हमें प्रदान किया, पूरे दिन भर में हमारी अगुवाई की, संभाला, हमें आजाद किया, शैतानी बंधनों से हमें बचा के रखा। संध्या की इस पवित्र बेला में हम तेरे शुक्रगुजार हैं और कृतज्ञ हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग द्वार खुल जाए, रुकी आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हे प्रभु, तेरे इन विश्वासियों के घर तेरी महिमा से भर जाए, एक एक व्यक्ति को छूले 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 पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। सारे शक और दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से, बदरूहों के लश्कर जल के राख हो जाए। तेरा वादा है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा, सच है प्रभु। हम तेरे पास आते हैं, याद कर, शतपति तेरे पास आया, तूने उसके सेवक नौकर को चंगा कर दिया। याद कर, अर्धांग रोगी को तेरे पास लाया गया, तूने उसके गुनाहों को माफ किया और उसे स्वस्थ किया और चलने फिरने का आदेश दिया। रक्त स्राव पीड़िता को तूने शुद्ध किया, पापों में पड़ी हुई मरियम मगदलीना जिसके अंदर से तूने बदरूहों को निकाला। हे प्रभु, तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला। याद कर, जो तेरे पास आता तू खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरे ये बच्चे जो इस वक्त वेदी के सामने घुटना टेके हैं, इन पर दया कर। जो ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त एकत्र हो रहे अपने परिवारों में, इन्हें स्पर्श कर ले, छूले छूले छूले, चंगा कर, चंगा कर दे, चंगा कर दे, बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर। आज का वचन इनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल लाए। तेरा वचन जो आत्मा की तलवार है, जो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना तेरे पास नहीं लौटता। आज जितने भी लोग ये वचन सुने, उनके जीवन में प्रभु तेरा उद्धार, शांति और चंगाई आ जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जुड़ जाना प्रभु से। ये सुंदर समय है, अपने आप को जोड़ लेना, अपना मन आत्मा हृदय को प्रभु की ओर आकर्षित करना, वेदी की ओर देखना, इस परम प्रसाद संस्कार की ओर देखना। बाइबल हमें बताती, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13:3, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भले और बुरे दोनों पर सूरज उगाता है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की आंखें सूरज से भी तेज हैं, प्रभु की आंखें सूरज से भी तेज हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो मनुष्य के हृदय के अंतरतम को जानता और पहचानता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ चढ़ूँ। पाताल में छुपूँ तो तू वहाँ, बादलों पर चढ़ूँ तो तू वहाँ, आसमान में छुपूँ तो तू वहाँ, तू तो सब जगह रहता है। मैं अपने आप को कहाँ जाकर तुझसे छिपाऊँ, हम छिप नहीं सकते। इसलिए विश्वासी को बड़े उत्साह के साथ प्रभु के सामने आने की आवश्यकता है। एक भक्त को
प्रभु के सामने बड़े उत्साह के साथ आने की आवश्यकता है। आप जो इस वक्त बैठे हैं, प्रभु आपका उत्साह देखना चाहता है। आप जो अपने घरों में हैं, इस वक्त प्रभु आपका उत्साह देखना चाहता है। इसलिए पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी शक्ति से प्रभु को पुकारना, जय जयकार करना, उसकी स्तुति करना, वो आशीष प्रदान करेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21, अध्याय 21, पद संख्या 22, पद संख्या 22, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे, प्रार्थना में मांगोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा, 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 वह तुम्हें मिल जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस वचन के द्वारा, आपके इस वचन के द्वारा आज की संध्या वंदना में, आज की संध्या वंदना में आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, बुद्धि और ज्ञान का सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि और ज्ञान का सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय जनों, हम प्रभु की हजूरी में हैं, उसके स्वर्गदूत हमारे घरों पर पहरा दें। मैं आपके घरों को प्रभु के पवित्र लहू से संरक्षित करता हूं। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आप लोगों की रक्षा करें। स्वर्गदूत गैब्रियल प्रभु के संदेश आज वचन के माध्यम से आप लोगों तक लेकर पहुंचे। स्वर्गदूत रफाएल जो बीमारों का संरक्षण करता, उनकी देखभाल करता है, चंगाई प्रदान करता है, आप सभी लोगों को प्रभु की ओर से चंगाई प्रदान करें। जितने भी लोग बीमार हैं, मैं आप सबको प्रभु के हाथों में इस वेदी पर समर्पित करता हूं। जो आज अपने जीवन में दुखी हैं, किसी न किसी पीड़ा में हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करें। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए हम स्तोत्र संख्या 31 दोहराएंगे। हम स्तोत्र संख्या 31 दोहराएंगे। संकट के समय प्रार्थना। आप में से जितने भी लोग संकट में हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, आत्मिक ग्लानि से पीड़ित हैं, अपने किसी न किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा है, पड़ोसी से हो सकता है आपकी नहीं बनती, दंपत्ति में, पति पत्नी में हो सकता नहीं बनती, हो सकता है शैतान ने आपको अपने वश में किया है और आप संकट में हैं, हो सकता कोर्ट कचहरियों में आप संकट में पड़े हुए हैं, हो सकता आपका सब कुछ लुटने लुटने को है। इस वक्त मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए और हृदय खोल कर प्रभु से विनती करें। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे, मुझे कभी निराश ना होने दे, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरी सुन मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर, मेरी सुन मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर, तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान, तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान, और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है, और मेरा गढ़, और मेरा गढ़ अपने नाम के कारण, अपने नाम के कारण, तू मुझे ले चल, तू मुझे ले चल, और मेरा पथ प्रदर्शन कर, और मेरा पथ प्रदर्शन कर, जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तू मुझे उससे छुड़ा, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, प्रभु तूने मेरा उद्धार किया,
प्रभु तूने मेरा उद्धार किया। तू ही मेरा सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, तू ही मेरा सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो निस्सार मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो निस्सार मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ। क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है, क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण, मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा। क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है, और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है। तूने मेरे शत्रु के हाथ, तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा, तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया, तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं, मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं। मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त है, मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त है। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है, मेरा जीवन दुख में बीत रहा है। और मेरे वर्ष आहें भरने में, और मेरे वर्ष आहें भरने में। मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति छीन हो गई है, मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति छीन हो गई है। और मेरी हड्डियां गल रही हैं, और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं, मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं। मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरे परिचित मुझसे भय खाते हैं, मेरे परिचित मुझसे बैर खाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं, जो मुझे रास्ते में देखते हैं, वे मुझसे दूर भागते हैं, वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया हूँ, मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया हूँ। टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ, टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ, मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ। चारों ओर आतंक से घिरा हूँ, चारों ओर आतंक से घिरा हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर, वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है, प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूँ तू ही मेरा ईश्वर है, मैं कहता हूँ तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर, शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है मेरा उद्धार कर, तू दया सागर है मेरा उद्धार कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ। मुझे निराश ना होने दे, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु निराश हो, मेरे शत्रु निराश हो। और अधोलोक में मौन हो जाए, और अधोलोक में मौन हो जाए। वे मिथ्यावादी होंठ बंद हो, वे मिथ्यावादी होंठ बंद हो। जो घमंड धृष्टता, जो घमंड धृष्टता और तिरस्कार से, और तिरस्कार से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं, धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है।
जो तेरी शरण आते हैं, जो तेरी शरण आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है, तू उन्हें अपने साथ रखकर, तू उन्हें अपने साथ रखकर, मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है, मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है, तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर, तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर, लोगों की निंदा से बचाता है, लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है, मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, तूने मुझे अपने सामने से हटा लिया है, किंतु मेरे दुहाई देने पर, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मेरी पुकार सुनी। प्रभु सब भक्तों, प्रभु सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो, प्रभु को प्यार करो, वो अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, वो अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, धारस रखो और दृढ़ रहो, धारस रखो और दृढ़ रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं। मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 14, अध्याय 14, पद संख्या 38, पद संख्या 38। जागते रहो, जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले, हम प्रभु के रहस्यों को समझने वाले बन जाएं। आज का वचन हमारा मार्गदर्शन करे। संध्या का ये समय पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, प्रभु का सानिध्य हमारे घरों को घेरे हुए है। स्वर्गदूतों की सेना आपके घरों के चारों ओर तैनात है। इस वेदी पर स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं। विश्वास की आंखों से देखना प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु से जुड़ जाना, अपने आप को कनेक्ट कर लेना। यू विल बी चार्ज्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। द होली स्पिरिट विल ब्लेस यू, द होली स्पिरिट विल टेक यू टू द लॉर्ड, द होली स्पिरिट विल गाइड यू, द होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द लॉर्ड, द होली स्पिरिट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। The Holy Spirit will lead you to the Lord Jesus. Mera dil tera ghar hai, is ghar mein aatma. Mera dil tera ghar hai, is ghar mein. तेरा घर है इस घर में आत्मा।
सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वक्त आप बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। आत्मा में मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुतों के आंसू बह रहे हैं। आपका घर परमेश्वर की महिमा की जगह बना हुआ है। इस वक्त ऐसा माहौल है कि जैसे परमेश्वर स्वयं उतर के हमारी संगति में हाजिर है, वो हमारे बीच में उपस्थित है, वो हमें आशीष दे रहा, ब्लेस कर रहा है। He's blessing each and every one of you। वो आत्मा जो हमारी अस्पष्ट आहों को जानता है, जो उसके द्वारा प्रार्थना करता है, आज आपको ब्लेस करे, स्पर्श करे, आजाद करे। तेरे लिए
हालेलुया 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 ईश्वर ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है, प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करो, प्रभु का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ। और उसकी महिमा का स्तुति गान करो, और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। हे समस्त राष्ट्रों, हे समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। और उल्लसित होकर, और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो। हे धर्मियों, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है, भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। हे मेरे अंतरतम, हे मेरे अंतरतम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ, कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम, उसका प्रेम अनंत काल तक, अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की पवित्र एवं जीवित उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हम अपने जीवन पर एक नजर डालकर देखें और अपने जीवन की किताब के पन्नों को पलटें, तो अधिकांशता हमें दुख, कष्ट, समस्या, चिंता और अनेक प्रकार की ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिससे कि हम लगातार संघर्ष करते आए हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, यदि हम अपने जीवन की किताब को पलट कर देखें, तो अधिकांशता हमें समस्याएं, दुख, कष्ट, बुराइयां ही नजर आती हैं। इंसान समस्याओं से घिरा रहता है, परेशानियों में पड़ा रहता है, और यूं हम कह सकते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। हमारा जीवन एक संघर्ष है, और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई इस संसार के अंधकार में अधिपतियों से है, शासकों से है, अधिकारियों से है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं से संघर्ष करते रहते हैं। संत पौलुस स्पष्ट करता है कि मेरी और आपकी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी लड़ाई इस संसार के नायक शैतान से, जो इस भ्रम में है कि वो इस दुनिया का नायक है, और दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता, किसको फाड़ खाए, किसका सर्वनाश करे, और वो इंसान को उजाड़ने में, नष्ट करने में लगा रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती हैं कि आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकांशता उन प्रार्थनाओं में स्वार्थ छिपा है। लोग प्रभु के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करते, उसकी हुजूरी में बैठना नहीं चाहते, उपवास करना नहीं चाहते, अंतःकरण की जांच करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस जैसे डिस्प्रिन की गोली हम खाते हैं, सिर दर्द दूर हो जाता है, तो वैसे ही हमारे जीवन की परेशानी भी हमसे वैसे ही दूर हो जाए। परंतु ये संभव नहीं है,
क्योंकि हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों आत्मिक युद्ध लड़ना है, और जब आप युद्ध में रहते हैं तो आप इस बात पर विचार करें कि एक सैनिक को कितना चौकस, कितना फुर्तीला और अपनी नजरों को अपने दुश्मन पर गड़ाए रहना अनिवार्य है, ताकि उसका दुश्मन उसके ऊपर वार ना कर पाए। यूं ही हमारा जीवन भी है, ऐसे ही हमारा जीवन भी है प्यारे भाइयों और बहनों। विश्वासी जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं उन्हें प्रभु का वचन कहता है, जैसे आज के इस संध्या वंदना को शुरुआत करते समय भाई ने आप लोगों को अवगत कराया कि प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का, मसीहों के जीवन का, विश्वासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, और यदि प्रार्थना नहीं है तो आप जल्दी नष्ट हो जाएंगे, आप शैतान की चालों को तोड़ नहीं पाएंगे, उसकी युक्तियों को आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 3 में कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें आपको देखती हैं, आपके घर में देखती हैं, आपका उत्साह कैसा है, आपका उठना बैठना प्रभु के सामने कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप कितने उत्साह के साथ प्रभु के सामने आते हैं, आप किस प्रकार से उसका भय मानते हैं, आप किस प्रकार से भय मानते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है, मसीहों के जीवन में परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। अपने आप से पूछिए कि आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। यदि वास्तव में डरते तो चुगली नहीं करते हैं, यदि वास्तव में परमेश्वर का भय मानते तो किसी बाबा या फकीर के पास नहीं जाते हैं, यदि वास्तव में आप प्रभु का भय मानते तो आप क्रोध नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, लालच नहीं करते, आदर देते प्रभु को, सम्मान देते, उत्साह के साथ पूरे हृदय से पूरे मन से प्रभु के सामने आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ प्रभु की वेदी के सामने, प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, और अपना हृदय खोल कर, हृदय खोल कर प्रभु से विनती करो, प्रभु से विनती करो, वो उसकी दुहाई दो, उसकी दुहाई दो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मसीहों में, विश्वासियों में परमेश्वर का भय नहीं है, लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए वो मुख से कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी समय भी करते हैं, उनके लिए सब चीज़ें एक समान रहती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के भय से ही प्रज्ञा की शुरुआत होती है। यदि आप परमेश्वर का भय खाते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो आपको आशीष प्रदान करता है और आपको ब्लेस करता है। उसने मूसा से कहा कि ओ मूसा, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन ना करे और यदि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन ना करें और ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाए तो 4 पीढ़ियों तक इन्हें श्राप मिलेगा, लेकिन अगर ये मेरी बातों को माने तो 1000 पीढ़ियों तक इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, आज्ञा मानने का फल, आज्ञा मानने से क्या हमारे जीवन में हो सकता, कहता है 1000 गुना वो आपको आशीष प्रदान करेगा, वो आपकी आने वाली पुश्तों को प्यारे भाइयों और बहनों ब्लेस करेगा, ना केवल आपके बच्चों को। इसलिए आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने ये कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये सतर्क रहें, जागते रहें,
बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 में लिखा है कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। इंग्लिश की बाइबल में ये वचन सुंदर तरीके से लिखा है, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, और हिंदी में उसका अनुवाद है जागते रहो। हो सकता है आप बिस्तर पर पड़े पड़े जागते रह सकते हैं, परंतु आप देख नहीं रहे हैं, आप आत्मा की परख नहीं कर पा रहे हैं, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि शैतान किस ओर से घर में सेंध लगा रहा है, आपको मालूम नहीं हो रहा है कि शैतान आपके जीवन को कहां पर नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, किस तरह से आपके पति को छीन रहा है, किस तरह से आपकी बेटी को ले जाने के वश में है, चक्कर में है, किस तरह से आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में वो पड़ा हुआ है, किस तरह से वो युक्तियां बना रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है शैतान को अवसर मत दे दो। अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि शैतान को अवसर मत देना। अगर आप उसको उंगली पकड़ाएंगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको ले जाएगा, नष्ट कर देगा। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप शैतान को अवसर ना दें। किस तरह से इंसान में प्रवेश करता है? आज इंसान के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, जैसा बाइबल में बताती हैं, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, दलबंदी, लालच, लोभ, परनिंदा, गलत रिश्ते, वासना, ये तमाम बुराइयां जो आज इंसान के जीवन में घर कर चुकी हैं और वो इनसे निकलने में असमर्थ है, वो आज इसी प्रकार से लोगों के बीच में राज करता है और इन तमाम चीजों बुराइयों के द्वारा वो नष्ट करना चाहता है। एक शराबी के अंदर वो शराब की और नशे की दुष्ट आत्मा के रूप में प्रवेश करता और उसके पूरे शरीर को बर्बाद कर डालता है। एक दंपति के जीवन में वासना और आंखों की तृप्ति और गलत रिश्तों के द्वारा वो प्रवेश करता और उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान इन सब बातों में फंस जाता है तो वो शैतान के वश में रहता है और हमारा जीवन कैसा हो जाता है? संघर्षमय बन जाता है। हमारा जीवन संघर्षमय बन जाता है। आप लोग निकलने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते हैं। बहुत सारा संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि ईश्वर की कृपा जो आपको मिलती है, याद रखें कि वो एक ऐसे बर्तन में रखी गई है जो कि मिट्टी का है, जो कि मिट्टी का है। ये तन मिट्टी का है, ये बदन मिट्टी से बना हुआ है। ये ठोकर लगता है तो फूट सकता है, फूट जाता है, बीमार पड़ता है, अपने आप में कभी सबल नहीं रहता है। इसलिए कुरिंथियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस यही हमें समझाना चाहता है कि ईश्वर की कृपा अर्थात ईश्वर की निधि, ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का अभिषेक मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। आप और मैं मिट्टी के बर्तन हैं, इसलिए वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो कृपा आपको प्रभु ने दी और इस शरीर के जो अंदर रखी है जो कि मिट्टी का बर्तन है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये बर्तन मिट्टी का है तो हमें इसकी कितनी हिफाजत करनी है, इसे कितना पवित्र रखना चाहिए, इसे कितना संभाल कर रखना चाहिए ताकि इसमें से कहीं अभिषेक और मसा चला ना जाए, जैसा कि संत पौलुस कहता है कुरिंथियों को लिखते हुए कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, यदि कोई इसे नष्ट करे तो देखो कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा।
तो मैंने जैसा कहा कि जब हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और अपने जीवन में हर पल हर क्षण दुखों से कष्टों से समस्याओं से गुजरते हैं तो हमारा जीवन संघर्षमय बना रहता है, हमारा जीवन संघर्षमय बना रहता है। इसलिए आज का जो वचन प्रभु ने आपके और मेरे लिए दिया है, कहता है अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 12 में कि आज हमारी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, आज सास और बहू में लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई प्यारे भाइयों और बहनों उस दुष्ट आत्मा से है जो घर को शांति में बने रहने देना नहीं चाहती। इसलिए इस लड़ाई पर विजय पाने के लिए आपको और विश्वासियों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में नहीं रहेगा, यदि कोई परिवार प्रार्थना में नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, उसका उत्साह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ की अगुवाई में बाइबल हमें बताती है कि जब इजरायली युद्ध लड़ रहे थे तो वो अपने हाथों से तलवार भाले चला रहे थे, लेकिन अपने हृदय से वो प्रार्थना कर रहे थे। यही जीवन विश्वासियों का भी होना चाहिए। जब आप संघर्षरत हैं, जब आप जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसी मेहनत करते समय आपका हृदय सदा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो प्रार्थना, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, आपकी परिस्थिति को बदल देगी, आपके घर को बदल देगी। आप विश्वास करके देखिए। लेकिन विडंबना है कि लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते। यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूं जाइए बैठिए प्रार्थना कीजिए, अभी आराधना शुरू होने वाली है, वो बैठ नहीं पाते हैं। आधा घंटा बैठने को बोलो तो बैठ नहीं पाते हैं, बाहर घूमते रहेंगे, जब भाई संगीत शुरू करेगा तब अंदर आएंगे, अन्यथा सब इधर उधर घूम के बातें करते रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की हजूरी में बैठने मात्र से ही आप चंगे हो सकते हैं। इसलिए अपना मन आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि मैं, जिससे कि मैं आपकी हजूरी में, आपकी हजूरी में बैठने वाला बन सकूं, बैठने वाला बन सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रहे, बाइबल कहती है पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको लड़ाए, किसको मार डाले, किसका एक्सीडेंट कराए, किसके शरीर पर वो ऐसी बीमारियां लाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 और उससे आगे कि जब एक दिन शैतान स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर के सामने स्वर्गदूत का रूप धारण करके वहां पर प्रस्तुत हो गया, तो प्रभु ने उससे पूछा, हाँ भाई सुना, तू कहां से आया? तो कहने लगा, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर मैं आ रहा हूं। क्या कहा? कि मैं पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर आ रहा हूं। अगर लाइनों के बीच में समझा जाए तो चक्कर लगाया और बहुतों को फंसाया और बहुत सारे लोगों को तोड़ा मरोड़ा, लड़ाया भी होगा, तो प्रभु ने पूछा कि क्या तेरी नजर मेरे सेवक अय्यूब पर नहीं पड़ी? तो उसका जवाब क्या था? क्योंकि तेरा हाथ उसके ऊपर है, तूने उसे संरक्षण प्रदान किया है, तू अपना हाथ उससे हटा और फिर देख कि मैं उसका क्या करता हूं, फिर देख कि मैं उसका क्या करता हूं। तो दुख, बीमारी और कष्ट और परेशानी, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही परमेश्वर की इजाजत शैतान को मिली, वैसे ही उसने
अय्यूब के ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया, उसके शरीर में बीमारी लाया, उसके शरीर पर फोड़े लाया, उसके बच्चों को उसने समाप्त कर दिया, उसकी गधियां, उसके बैल, उसके ऊंट सब कुछ बर्बाद हो गया। और इतनी विपत्तियां उसके ऊपर उसने ढाई। हर विपत्ति के बाद अय्यूब के नौकर आकर उससे कहा करते थे, मालिक मालिक हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, गधियां मर गई, गधे मर गए, ऊंट मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अय्यूब अपने विश्वास को प्रकट करता है, अपनी धार्मिकता को प्रभु को याद दिलाता है और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता है। शैतान से वो लड़ता है, जैसा कि बाइबल कहती है कि तुम हिम्मत के साथ शैतान का सामना करो, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डाल देगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन, आपका ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अय्यूब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसने आत्मिक युद्ध किया, परमेश्वर के साथ वो खड़ा रहा, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, उसने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उसे कोसा नहीं। उसने कहा कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, नंगा माता के गर्भ से आया था, नंगा ही जाऊंगा, सब कुछ ईश्वर का है, महिमा उसकी है, सब कुछ उसका है, सामर्थ्य उसका है। यदि उसने सुख दिया और मैंने ग्रहण किया है, और अब अगर दुख दे रहा है तो क्यों मैं उसे ग्रहण ना करूं। ये उसका प्रतिउत्तर था, ये उसका प्रतिउत्तर था। और उसने अपने आध्यात्मिक संघर्ष को जारी रखा और उत्साह के साथ वो परमेश्वर के साथ रहा। आज विश्वासियों को ऐसे ही अपने जीवन में उत्साह से भरे रहकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना है कि लोग आज प्रभु की हजूरी में नहीं बैठ सकते। प्रियजनों, आपके जीवन में, विश्वासी के जीवन में कष्ट आना अनिवार्य है, दुख आना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने वो दुख सहन किया, उन्होंने उस कष्ट को सहन किया, उन्होंने उस क्रूस को उठाया और कहा कि अगर लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बिना ईश्वर की अनुमति के। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप प्रार्थना में दृढ़ बने रहें, उपवास में दृढ़ रहें। एक विश्वासी की जो असली सामर्थ है, एक विश्वासी का जो असली सामर्थ है, उसकी प्रार्थना और उपवास में है। एक विश्वासी का जो असली सामर्थ है और जो असली अनॉइंटिंग और मसा उसे मिलता है, वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना और उपवास के जरिए उसके जीवन में आता है। इसलिए मदर टेरेसा ने कहा, द फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है वो एकता में रहता है, एकजुट रहता है। कष्ट आए, परेशानी आए, चिंता आए, वो कभी भी परमेश्वर को भूलते नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, आप लोग जागते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, सतर्क रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। बिना प्रार्थना के एक विश्वासी अधूरा है, बिना प्रार्थना के एक विश्वासी अधूरा है। और प्रार्थना तो किस प्रकार की प्रार्थना, और प्रार्थना आपके जीवन में क्या कर सकती है, शायद हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रार्थना आपके जीवन से बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना से पाप क्षमा होते हैं, प्रार्थना से स्वर्ग द्वार खुल जाता है। प्रार्थना जब ऊपर जाती है तो स्तुति, आराधना जब ऊपर जाती है तो आशीषें लेकर, अभिषेक लेकर नीचे आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो घर प्रार्थना करता है उसमें, और जो प्रार्थना नहीं करता है, उन दोनों में आप तुलना करके देख लीजिए कि कौन ज्यादा अधिक परमेश्वर को अनुभव करता है।
किसके जीवन में अधिक शांति है, कष्ट होने के बावजूद प्रार्थना आपकी परिस्थिति बदल सकती है और आपको हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रार्थना आपका परिवार को बदल सकती है, आपकी परिस्थिति को बदल सकती है, आपके नशेड़ी पति का मन परिवर्तन कर सकती है। अगर मोनिका ने अपने बेटे अगस्टिन के लिए प्रार्थना नहीं की होती, आंसू नहीं बहाए होते, तो शायद आज अगस्टिन, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी किताबें और जिन्होंने पवित्र आत्मा और पवित्र त्रित्व के विषय में जो व्याख्या की है, रहस्यों को खोला है, लोगों को उन रहस्यों को पढ़ने का मौका दिया है, शायद नहीं होता। संत मोनिका ने अपने पुत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, अगस्टिन के लिए दिन रात आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर उसने हाथों को उठा कर प्रार्थना किया। इसलिए शोक गीत में एक सुंदर उदाहरण है, अध्याय 2 पद संख्या 18 और उससे आगे, कि प्रभु के सामने, वेदी के सामने उपस्थित होकर अपने हाथों को उठाकर आंसू बहाओ और तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहे, वो रुके नहीं। अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो गली के नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं, आप लोग प्रार्थना करो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि एक दिन एक व्यक्ति अपने अपदूतग्रस्त बेटे को यीशु के चेलों के पास लेकर चला आया और उनसे कहा कि इस पर प्रार्थना करो और ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बार बार आग में गिरता, पानी में गिरता, फेन उगलता है, अपदूत से लगा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर यीशु पहुँच गए और उन्होंने पूछा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि इसे क्या समस्या है। तो उसके पिता ने सारी समस्या उन्हें बताई और उनसे कहा कि यदि आप कुछ कर सकें तो कीजिए और मेरे बेटे को आप क्या करें, स्वस्थ करें। सुनिए ध्यान से, अध्याय 9 पद संख्या 14 और उससे आगे, जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे कहा, उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में आपके पास ले आया हूँ, वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे पटक देता और फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं, उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया और लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है। उसने उत्तर दिया, बचपन से। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन हमें बताता है कि इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर लड़के को मरोड़ कर उससे निकल गया और लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा। जब वे लोग घर पहुंचे तो शिष्य लोग बड़े असमंजस में थे कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल पाए।
और उन्होंने पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। ईसा ने कहा, बिना प्रार्थना और बिना उपवास के ये जाति नहीं निकाली जा सकती। बिना उपवास बिना प्रार्थना के ये जाति नहीं निकाली जा सकती। आज लोगों में इस प्रकार के बहुत सारे अपदूत हैं जिनका सामना आप बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं कर सकते। क्रोध का दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या, वासना, लोभ, लालच, निंदा, दलबंदी, हर प्रकार की अश्लीलता का जो दुष्ट आत्मा, जो अपदूत लोगों के जीवन में, परिवारों में लगा हुआ है, अगर आप इससे लड़ना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, घुटनों पर आना होगा, और तभी आप इस जाति से लड़ सकते हैं, तभी आप इस जाति से लड़ सकते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। अन्यथा आप हार जाएंगे, अन्यथा आप हार जाएंगे। आपकी जीत प्रार्थना में है, आपकी जीत आपके घुटने टेकने पर है, आपकी जीत प्रभु की ओर हाथ उठाकर ईमानदारी में चलने से, आपकी जीत शांति, ईमानदारी, वफादारी को अपने गले में पहन के रखने में है, और आपकी जीत प्रभु की सेवा में है, आपकी जीत प्रायश्चित और स्वीकृति में, आपकी जीत प्रभु के वचन को तलवार के रूप में इस्तेमाल करने में है, और आपकी जीत अपने आप को पवित्रताई में बने रखने में है, और इससे भी ज़्यादा आपकी जीत प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करते रहने में ही है। और मैंने कहा कि प्रार्थना आपके जीवन को, आपके परिवार को, बच्चे को बदल सकती है। प्रार्थना आपका मार्गदर्शन करती और आपको दिशा देती है। प्रार्थना आपको सामर्थ्य देती है। प्रार्थना हमें प्रलोभन से बचाती है। प्रार्थना हमें ईश्वर के सामने विनम्र बनना सिखाती है। प्रार्थना हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने सिखाती है। प्रार्थना और उपवास से बंधन टूटते हैं और अपदूतों से हम लड़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं, हमारे घर से ये अपदूत नहीं जाता, ये बीमारी नहीं जाती, ये आत्मा हमें परेशान करती, वो करती है, और वो खुद प्रार्थना नहीं करते, वो खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद उपवास नहीं करते, इधर उधर लेकर लोगों के पीछे भागते रहते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आपका घर में खुद प्रार्थना नहीं होगी, जब तक आप शाम को आप दो और आपके दो हाथों को उठाकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आप जीत नहीं जाएंगे, आप नहीं जीतेंगे, आपके घर में शांति नहीं आएगी। इसलिए एक विश्वासी के परिवार में प्रार्थना का होना अत्यंत आवश्यक है। बाइबल में बताती, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, ईश्वर पर श्रद्धा रखने का मतलब है ईश्वर का भय मानना, ईश्वर के वचन को सुनना, सुनाना और पढ़ना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना। अगर कोई दृढ़ता पूर्वक ये काम नहीं करता तो उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। प्रार्थना से आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। एक सुंदर गीत है प्यारे भाइयों और बहनों, फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। आज इस वचन को आप दोहराना और इसको पूरे मन, आत्मा और हृदय से गाना। इस गीत की बोलों की जो सुंदरता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर तक पहुँचे और परमेश्वर को हमारी ये दुहाई पसंद आए और हमारा बंधन टूटे। प्रार्थना से आपके जीवन में चमत्कार हों और प्रार्थना से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आता है और प्रार्थना हमें यीशु के साथ कनेक्ट कर देती है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा,
सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय सात पद संख्या चौदह तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी मेरे दर्शन चाहेगी अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा उसके पाप क्षमा करूंगा उसके देश का कल्याण करूंगा प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है हे प्रभु ईश्वर
प्रभु ईश्वर मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मैं तुझसे, मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। संकट में, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, और उसने मेरी पुकार को सुना, मेरी पुकार को सुना। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार से, आज मेरे परिवार से हर प्रकार का बंधन टूटे, हर प्रकार का बंधन टूटे, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से रोग बीमारी, रोग बीमारी, दुष्ट आत्माओं के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु ईश्वर, कि प्रभु ईश्वर उसे रोग शैया पर, उसे रोग शैया पर सांत्वना देता है, सांत्वना देता है, और रोगी का बिस्तर बदलता है, रोगी का बिस्तर बदलता है। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे रोगों को चंगा कर, मेरे रोगों को चंगा कर, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को सुन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। सच है प्रभु, आज तेरे पवित्र वचनों से बंधन टूटे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए, हर प्रकार की दुष्टता का बंधन, गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, लंगड़े की दुष्ट आत्मा, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके शरीरों, परिवारों, घरों को, आर्थिक तंगियों, बेरोजगारी, वासना, दलबंदी, हर प्रकार की बुराई की दुष्ट आत्माएं आपके परिवारों को छोड़ें और जल के राख हो जाएं। इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग इस वक्त वेदी के सामने बैठे हैं, खड़े हो जाएं और चंगाई की प्रार्थना के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और दुहाई दें। हालेलुया, 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 सब लोग आए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
के नाम पर। प्रभु की स्तुति करते जाएं, हालेलुया 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 छुटकारा चंगाई उद्धार हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हर बंधन खुल जाए, दुष्ट आत्माएं दूर हटे, रोगों से चंगाई, ऊंचे से बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 भरते 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं बड़ा निराश हूं, अपनी जिंदगी से टूटा हुआ हूं, मैं तंग आ चुका हूं। कोई है जो आत्महत्या करने का विचार करता है, प्यारे भाई प्यारी बहन प्रार्थना करना, प्रभु से जुड़ जाना। प्रभु क्षमा करता है, कहता है तेरे पाप तेरे गुनाह सिंदूर की तरह लाल किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। तू मेरे पास लौट कर चला, मेरे बेटे तो दूर क्यों जाता है मेरे पास चला, मेरी बेटी तू मुझसे दूर क्यों रहना चाहती है, क्यों तू अपने कुकर्मों के कारण नष्ट हो जाना चाहती है। सावधान रहे, जागती रहे, जागता रहे, सतर्क रहे। तेरा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचर रहा, कब तुझे फाड़ खाए। मैं तेरे कल्याण की बातें सोचता हूँ और तू मुझसे दूर रहना चाहता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, मेरी और आपकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है, मेरे और आपके आशीर्वाद ईश्वर पर निर्भर है। वो जिसे चाहता है उसे चुनता है, जिसे चाहता है उसे सामर्थ्य देता है और विश्वास से परिपूर्ण करता है। इस वक्त प्यारे भाई प्यारी बहन अपने हर एक बात को समर्पित करते जाना, दुख सुख कष्ट परेशानी चिंता, बेटा बेटी पति पत्नी अपनी सास को और सास अपनी बहू को, जिनमें दोनों में बनती नहीं है। परमेश्वर हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर, यदि वो साउल का हृदय बदल सकता है और उसका नाम बदल सकता है तो वो आपका क्यों नहीं बदल सकता। यदि वो बुढ़ापे में इब्राहिम और सारा को संतान दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता। यदि वो अर्धांग रोगी को चंगा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता। यदि वो हिजकिया को 15 वर्ष का आयु और दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता, बशर्ते कि आप उनके जैसे धर्मी बने, बशर्ते कि उनके जैसे आंसू बहाएं और प्रार्थना करते जाएं। बीमार हिजकिया ने दीवार की मुंह ओ करके घुटना टेक कर रो रो कर फूट फूट कर रोया और उसने प्रार्थना की और ईश्वर ने उसे 15 वर्ष का जीवन और दिया। हिजकिया दोबारा मरा, लेकिन प्यारे भाई प्यारी बहन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया था, वैसा ही अनुग्रह आप पर करेगा। इसलिए समर्पण में ही एक विश्वासी के जीवन की सफलता है, स्वीकृति में ही विश्वासी का कल्याण है, प्रायश्चित में ही आप धनी बनते हैं प्यारे भाई प्यारी बहन। इसलिए दोनों हाथों को जोड़ें, सीने से लगाएं, समर्पित हो जाएं। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1:5 में प्रभु कहता है जिसे ज्ञान की कमी हो प्रभु से प्रार्थना करे और वो आपको ज्ञान के भंडार से आपको वरदान देगा। इस वक्त आत्मा हमारी अगुवाई करे। कितना टूटा हूं मुझको जो कितना टूट
मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। बंधन टूट रहे हैं, कोई है जो ना तो अपने को क्षमा कर पा रहा है और ना ही दूसरे व्यक्ति को। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु से विनती करते जाना, सामर्थ्य देने वाला प्रभु है, बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु है। कोई है जो कर्ज में डूबा है, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए आपके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं। विश्वास कर तो ईश्वर की महिमा देखेगा। कोई है जिसके शरीर पर सफेद दाग हैं, एलर्जी से परेशान है, परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो माइग्रेन के दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। निसंतान दंपतियों को प्रभु संदेश दे रहे हैं कि आज तुम अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, कल तुम्हारी आंखों के सामने मैं चमत्कार करूंगा। एक अर्धांग रोगी जो बेड रिडन है, प्रभु आपके घुटनों में नसों में बल प्रदान कर रहे हैं। विश्वास कीजिए और ईश्वर की महिमा देखेंगे। कोई है जो कमर के दर्द से परेशान है, चलना फिरना मुश्किल है, साइटिका की बीमारी से परेशान है, प्रभु आपको बल प्रदान करते हैं। कोई है जो क्रोध की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु से प्रार्थना करिए तो प्रभु आपको इस क्रोध की दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा। पवित्र लहू लेकर अपने शरीर पर लगाएं। कोई है जो शरीर में एक बड़े घाव के कारण परेशान है, कोई है जो अपने शरीर में एक बड़े घाव के कारण परेशान है, प्रभु का पवित्र लहू लेकर आपके शरीर पर इस वक्त लगाता हूं। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे। प्रभु यीशु जो चंगा करता है, स्वास्थ्य देता है, रोगी का बिस्तर बदलता है, रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता, उनके हाथों उनके दुखों को हल्का करता है, प्रभु आपको चंगाई दे। कोई है जो प्रभु का अभिषेक पाने के लिए तरस रहा है, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। कोई है जो प्रभु के मार्ग पर चलना चाहता है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा है, प्रभु के साथ जुड़ जाना और आराधना में जीवन बिताना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रार्थना करना तो प्रभु आपके जीवन में आशीषें प्रदान करेगा। मैं तो रोगी हूं, मुझको चंगा सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरी इस प्रजा पर दया कर, नवजात बच्चों पर दया कर जो इस वक्त प्रभु तेरे सामने वेदी के सामने घुटना टेके हुए हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी दुहाई दे रहे हैं। इन पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। निसंतान दंपतियों के बंधन टूटे, बुजुर्गों के जीवन से बीमारी का बंधन टूटे, इन्हें विश्वास का वरदान प्रदान कर, इन्हें तेरे पवित्र लहू से ब्लेस करते हैं। इनके चौखट, इनकी बिछौनों, इनके बिस्तरों को, इनके आटा गूंदने की परात को, बर्तनों को, इनके बच्चों को, इनकी मेहनत मजदूरी माल डंगर को, खेती बाड़ी को, इनके दफ्तरों को,
इनके खेत कल्याणों को, इनकी इंडस्ट्री, इनकी संस्थाओं को हे प्रभु आशीष प्रदान कर। इनकी मेहनत मजदूरी में इन्हें आशीर्वाद देने की कृपा कर। तूने कहा ऐ थके मांदे और बोझ से दमे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। यदि तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, और तुम्हारी दुहाई देने से पहले ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। ये वचन आज तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए जिन्होंने सच्चे हृदय से तेरी आराधना की स्तुति की है। जो नौकरी की तलाश में, इनके लिए नौकरी के द्वार खोल दे, उन दफ्तरों को, उन जगहों को जहाँ ये काम करेंगे तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझ तेरे अयोग्य सेवक को अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर, हाथ पैरों में बल दे, अपने चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में और हमारी इस कलीसिया में प्रकट हो जाने दे हे प्रभु यीशु, जिससे हम तेरी महिमा करते जाए। आज की ये संध्या वंदना तुझे पसंद आए। अपने वचन के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर, इनके जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल आए, ये सदा तुझ में जुड़े रहे, तेरी महिमा गाते जाए और अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करें। हे माँ मरिया, तो हमारी माँ है, हमारे लिए प्रार्थना कर, मध्यस्थता कर। दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा प्रभु में आशीष दे, हर बुराई से रक्षा करे और अनंत जीवन प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। सभी घुटना टेके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनी बनता है। अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद।
सबको जय यीशु की जय। प्रभु आपको आशीष दे और आपको चंगाई प्रदान करे। आप आज की रात्रि प्रभु के सानिध्य में बने रहें। जितने लोगों ने, परिवारों ने आज का वचन सुना है, आपके जीवन में, परिवार में ये वचन 100 गुना फल लाए, यही हमारी आशा है। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, एक दूसरे के लिए और हमारे लिए आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।